So today we'll see DFA to regular expression conversion using state loop elimination method. In previous lecture we already saw using Arden's theorem how to convert DFA to regular expression. So in this lecture we'll see state loop elimination method for conversion of DFA to regular expression. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट लूप एलिमिनेशन मेथड को ही बोला जाता है इटरेटिव मेथड. तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन बिल्ड करते हैं, सपोज आर आई जे रेस टू पावर के, ऐसे एक एक्सप्रेशन बिल्ड करते हैं थ्रू इंडक्टिव डेफिनेशन. ओके, वेयर वी स्टार्ट विथ के इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इंक्रीमेंटली बिल्ड द एक्सप्रेशन टिल के इज इक्वल्स टू एन. हम लोग क्या करेंगे, आर आई जे रेस टू पावर के एक एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे थ्रू इंडक्टिव डेफिनेशन, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे के इज इक्वल्स टू ज़ीरो से और इंक्रीमेंटली बिल्ड करेंगे एक्सप्रेशन अप टू के इज इक्वल्स टू एन तक. सो इन दिस वे वी अचीव ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम आई टू जे दैट ट्रैवल्स थ्रू पॉसिबल स्टेट्स अवेलेबल इन यूर मशीन. ओके, सो यहाँ पे टू डिफरेंट केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग स्टेट आई टू स्टेट जे तक जब ट्रैवल्स करेंगे. एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर टू डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस इज़ दैट इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, अगर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे है एंड के इज इक्वल्स टू ज़ीरो है. ठीक है, इफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे कॉमा के इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इफ देर इज नो पाथ फ्रॉम आई टू जे. फर्स्ट क्या है, नो पाथ फ्रॉम आई टू जे. वॉट इज एंड वॉट इज जे, दीज आर द स्टेट्स. ठीक है, अगर एक भी पाथ नहीं है आई टू जे, देन ये जो एक्सप्रेशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं आर आई जे रेस टू पावर k मीन्स k की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, ज़ीरो. सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा. ठीक है, नाउ सेकेंड है, अगर एक ही सिंबल है, ओनली वन सिंबल फ्रॉम आई टू जे, देन इन दिस केस क्या होगा, सपोज आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू जो भी सिंबल है वो सिंबल हम लोग a कंसिडर करेंगे. राइट, तो एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड होगा, आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए. अगर मल्टीपल सिंबल्स है, एक तो एक भी सिंबल नहीं होगा, नहीं तो वन होगा, नहीं तो मल्टीपल सिंबल्स है आई टू जे के बीच में. सो आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू अप टू जितने भी सिंबल्स है उतने सारे सिंबल्स. क्लियर, सो दिस इज द केस वेयर इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, मीन्स दोनों स्टेट अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो. ठीक है, अभी क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगी, अगर दोनों भी स्टेट इक्वल है, इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू जे है एंड के इज़ इक्वल्स टू जे है, जे ज़ीरो है, एंड इफ़ सेम, अगर फर्स्ट केस सेम, अगर एक भी पाथ नहीं है फ्रॉम आई टू जे, देन आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, अभी इप्सिलॉन होगा. क्यों, क्योंकि सेम स्टेट है, आई एंड जे क्या है, सेम स्टेट है, इसीलिए क्या होगा, इक्वल होगा. मीन्स लाइक दिस, ये स्टेट है हमारी. ठीक है, एक ही स्टेट है, आई भी स्टेट यही है, जे भी स्टेट यही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है, सेम अभी सिंगल सिंबल है तो क्या हो जाएगा, आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन प्लस जो भी सिंबल है वो होगा. क्यों इप्सिलॉन प्लस, बिकॉज सेम स्टेट है, मीन्स सेल्फ लूप होगा, सेल्फ लूप होगा मीन्स इप्सिलॉन आएगा. क्लियर, एंड सेम फॉर मल्टीपल अगर है सिम्बॉल्स, तो आर आई जे रेस टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन. क्लियर, सो दीज आर द टू केसेस दैट वी हैव टू कंसिडर व्हाइल फॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन. ठीक है, अभी इसके लिए हम लोग एक इन जनरल एक्सप्रेशन बिल्ड करते हैं.
सपोज आर आई जे रेस्ट पावर के इज इक्वल्स टू आर आई जे रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस आर आई के रेस्ट पावर के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर रेस्ट पावर के माइनस वन आर के एंड आर के जे रेस्ट पावर के माइनस वन. सो दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू कंसीडर व्हाइल फॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेट लूप इलिमिनेशन मेथड. तो कौन सा एक्सप्रेशन है? आर आई जे रेस्ट पावर के इज इक्वल्स टू आर आई जे रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस आर आई के रेस्ट पावर के माइनस वन आर के रेस्ट पावर के माइनस वन आर के जे रेस्ट पावर के माइनस वन. तो ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, अभी ये वैल्यू इंक्रीमेंटली हम लोग इंक्रीज़ करते हैं. के इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन मीन्स जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स है उतने नंबर ऑफ इटरेशन वहाँ पे होंगे. इटरेशन मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स वहाँ पे होंगे. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दिस वी विल सी नाउ द एग्जांपल. तो एग्जांपल क्वेश्चन इज दैट ऑब्टेन द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द डीएफए. ठीक है, सो डीएफए गिवन इज सपोज दिस इज द डीएफए 1 2 1 0 0 1. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन. सॉरी, दिस इज द डीएफए दैट इज गिवन एंड फ्रॉम दिस डीएफए वी हैव टू फाइंड आउट द रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेट लूप इलिमिनेशन मेथड. ठीक है, सो फ्रॉम फिगर वी कैन डायरेक्टली राइट एक्चुअली एक्सप्रेशन कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एंड करेंगे. तो वन लूप में है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? वन और मोर ट्रांजिशन. तो आर इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? वन क्लोजर ज़ीरो और ये और में है तो ज़ीरो प्लस वन. ये आता है हमारा इक्वेशन. बट हमें क्या करना है? यूजिंग स्टेट लूप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना होगा कि जैसे फॉर के इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होंगे ऑल द आई जे वैल्यू के लिए. सपोज आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू टू है, तो उसके हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हमें फाइंड आउट करनी होगी. राइट, सो अगर दो है तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 4, 2 raised to power 2 means 4 combination, right? So, कौन से? Suppose I is equals to 1 consider किया, J is equals to 2 consider किया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एक तो combination क्या होगे? R 1 raised to power 0, ये छोड़ देते हैं, ठीक है? कितने combination हो सकते? एक तो 1-1, then 1-2, 2-1, 2-2, right? So, R 1-1, आर 1-2 रेस्ट टू पावर 0, आर 2-1 रेस्ट टू पावर 0 एंड आर 2-2 रेस्ट टू पावर 0. तो इसके लिए हमें क्या निकालने हैं? एक्सप्रेशन निकालने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं आर 1-1 रेस्ट टू पावर 0. राइट, आर 1-1 रेस्ट टू पावर 0. तो कितने हैं यहाँ पे? 1-1 के लिए एक ही है, दैट इज सेल्फ लूप गिवन है. सेल्फ लूप है तो क्या होता है? मीन्स कौन सी केस है? आई इज इक्वल्स टू जे की. तो सेल्फ लूप है तो हमें इप्सिलॉन कंसिडर करना ही होगा. तो इप्सिलॉन प्लस 1, राइट, एक ही सिंबल है इसीलिए 1, राइट. अगर 1,2 रहता तो क्या करते थे हम लोग? इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1 प्लस 2. ठीक है, आर 1-2, सो 1-2 के लिए क्या है एक्सप्रेशन? 0 है, ओनली 0 सिंबल कैरी कर रहा है. राइट, नाउ आर 2-1, आर 2-1, 2-1 के लिए कुछ है क्या? नहीं है. मिस क्या है? 5 है. आर 2-2, अभी सेल्फ लूप है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इप्सिलॉन आएगा प्लस 0 है तो 0 सिंबल आएगा, प्लस 1 है तो 1 भी सिंबल आएगा. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर k इज इक्वल्स टू 0. नाउ अभी k इज इक्वल्स टू कब तक वैल्यू कंसिडर करने होगी हमें? दो स्टेट है तो k इज इक्वल्स टू 2 तक जाना होगा. ठीक है, नाउ इंक्रीमेंटल स्टेप से अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होगा? आर आई जे रेस्ट टू पावर 1 निकालना होगा. राइट, तो आर आई जे रेस्ट टू पावर 1 के लिए हमें
ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो इसमें हम लोग डालते हैं आर आई जे रेस टू पावर के, के की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1 है, राइट। सो आर आई जे रेस टू पावर के मीन्स 1 इज इक्वल्स टू आर आई जे रेस टू पावर के माइनस 1, तो के माइनस 1, 1 माइनस 1 0, प्लस आर आई के, सो आर आई के रेस टू पावर के माइनस 1 मीन्स 0, सेम आर के रेस टू पावर के माइनस 1 मीन्स 0, एंड आर के जे मीन्स रेस टू पावर 0 मीन्स 0। नाउ यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, एक्चुअली 1 है, तो यहाँ पे हम लोग के जगह पे 1 डाल सकते हैं। क्लियर। नाउ ये वैल्यूज जो है राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास है ऑलरेडी अवेलेबल, सो वी विल पुट दैट वैल्यूज। सो आर आई जे रेस टू पावर 0 की वैल्यू क्या है, नाउ आर आई जे मतलब हमें अभी क्या निकालने हैं, सेम निकालने हैं आर 11, आर 12, आर 22 एंड आर 21 रेस टू पावर, आर 11 रेस टू पावर 1 निकालना होगा अभी, राइट। सो अभी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की भी वैल्यू क्या है 1। क्लियर। तो अभी क्या होगा, आर आई जे मीन्स 11 रेस टू पावर 0 प्लस आर आई 1, आई की वैल्यू क्या है 1, सो आर 11 रेस टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय आर 11 रेस टू पावर 0 आर 1, जे की भी वैल्यू क्या है 1, सो 11 रेस टू पावर 0, तो आर 11 ही है सारे, आर 11 रेस टू पावर 0, तो ये आएगा, इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू डालेंगे ये वाली, सो प्लस इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1, इसका एक्चुअली क्लोजर है, एंड इप्सिलॉन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1 क्लोजर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्लोजर, राइट। नेक्स्ट निकालेंगे सेम आर 12 रेस टू पावर 1 के लिए, तो क्या होगा, अभी आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू क्या है 2 है, राइट। सो आर आई जे मीन्स आर 12 रेस टू पावर 0 प्लस आर आई 1, आई की वैल्यू क्या है 1, सो 11 रेस टू पावर 0 आर 11 रेस टू पावर 0 क्लोजर एंड आर 1, जे की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 रेस टू पावर 0, तो इसके वैल्यूज हम लोग सिर्फ डालेंगे आर 12 0 रेस टू पावर 0 का क्या है वैल्यू 0 प्लस आर 11 रेस टू पावर 0 इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1 का क्लोजर एंड आर 12 रेस टू पावर 0, राइट। आर 12 रेस टू पावर 0 की वैल्यू क्या है 0, राइट। सो अभी इसमें से हम लोग अगर 0 कॉमन निकालते हैं, 0 कॉमन निकालते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकाल लिख सकते हैं, इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1 को हम लोग 1 क्लोजर और ये 0 कॉमन निकालते हैं तो 0, राइट। मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0 कॉमन निकाल के इप्सिलॉन प्लस, इप्सिलॉन प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 1 क्लोजर, तो इसको पूरे इसको हम लोग लिख सकते 1 क्लोजर, सो 1 क्लोजर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, आर 21 की, सो आर 21 रेस टू पावर 0, अभी आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू क्या है, सॉरी आई की वैल्यू 2 है जो और जे की वैल्यू 1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आर आई जे मीन्स आर 21 रेस टू पावर 0 प्लस आर आई 1, राइट। आई 1, आई की वैल्यू 2 है और 1 रेस टू पावर 0 आर के मीन्स आर 11 ही है रेस टू पावर 0 का क्लोजर प्लस आर आई के था अभी 1
जे है, राइट. सो 1 1 रेस्ट टू पावर 0. तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, अभी R21 रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू क्या है, R21 रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू है हमारी 5, राइट. सो 5 प्लस R21 रेस्ट टू पावर 0, दैट इज़ 5. R11 रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू थी हमारी Y+1 क्लोजर एंड Y+1. सो सी हियर, 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा, राइट. सो इसको अगर वेरीफाई करना है तो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द फिगर. R21 में कुछ है क्या रिलेशन, 21 नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 5 ही आएगा, राइट. नाउ R22 रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल्स टू, अभी I की वैल्यू क्या है 2 और J की भी वैल्यू क्या है 2. तो ये क्या होगा, अभी R22 रेस्ट टू पावर 0 प्लस R21 रेस्ट टू पावर 0 R11 रेस्ट टू पावर 0 क्लोजर R, अभी यहाँ पे क्या है 1 2 रेस्ट टू पावर 0. क्यों, क्योंकि यहाँ पे I K था, तो K की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे R K J है, राइट. सो K की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2. तो R22 रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू क्या है, Y+0 + 1. सो Y+0 + 1 + 2 1 की वैल्यू क्या है 5. 1 1 की वैल्यू क्या है Y+1 क्लोजर एंड R12 की वैल्यू क्या है 1 2 की 0. नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा Y+0 + 1 यही बचेगा सिर्फ, राइट. क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बचेगा. क्लियर हो गए, तो उसी टेबल में हम लोग लिखते हैं R11 रेस्ट टू पावर 1, R12 रेस्ट टू पावर 1, R21 रेस्ट टू पावर 1, R22 रेस्ट टू पावर 1. R11 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू क्या आई हमारी 1 क्लोजर, सॉरी R11 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू है 1 क्लोजर. R12 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू है 1 क्लोजर 0. 21 की 5 है और इसकी Y+0 + 1 है. क्लियर. नाउ अभी K इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकालना होगा, राइट. सो K इज इक्वल्स टू 2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, Rij रेस्ट टू पावर 2 इज इक्वल्स टू Rij रेस्ट टू पावर k-1 मीन्स 1 प्लस Ri2 रेस्ट टू पावर k-1 मीन्स 1 R22 के है ना मीन्स 2 2 रेस्ट टू पावर 1 क्लोजर R2j रेस्ट टू पावर 1. ठीक है, अभी सेम हमें निकालनी होगी R11 रेस्ट टू पावर 2 की वैल्यू निकालनी होगी, राइट. सो अभी I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, J की भी वैल्यू क्या है 1 है, राइट. सो क्या हो जाएगा ये R11 रेस्ट टू पावर 1 प्लस R12 रेस्ट टू पावर 1 R22 रेस्ट टू पावर 1 क्लोजर एंड R21 रेस्ट टू पावर 1. तो क्या हो जाएगा R11 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू क्या है 1 क्लोजर प्लस R12 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू क्या है 1 क्लोजर 0 एंड R22 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू क्या है Y+0 + 1 क्लोजर, राइट. और उसके बाद R21 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू क्या है 5. सो ये पूरा हो जाएगा 5, तो वैल्यू क्या बचेगी 1 क्लोजर ही बचेगी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, राइट. तो सेम वे से हमें क्या निकालनी होगी अभी R12 रेस्ट टू पावर 2. अभी I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू क्या है 2 है, राइट. सो अभी कैसे होगा, Rij मीन्स 1 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस R I की वैल्यू 1 है 2 रेस्ट टू पावर 1 R22 रेस्ट टू पावर 1 क्लोजर एंड R
टू जे, जे की वैल्यू क्या है 2, सो आर टू टू रेज टू पावर 1, सो आर 12 रेज टू पावर 0, 1 की वैल्यू क्या है 1 क्लोजर 0 प्लस 1 क्लोजर 0, आर 22 की इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1 रेज टू पावर क्लोजर एंड इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन क्या होगा, 1 क्लोजर 0, राइट। तो 1 क्लोजर 0 कॉमन निकालते तो बचेगा क्या, इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 क्लोजर लिख सकते हैं, राइट। ये 12 हो गया। नाउ आर 21 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू, नाउ आर 21 रेज टू पावर 2 की क्या होगी, आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा ये आर 21 रेज टू पावर 1 प्लस आर आई, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, सो 22 रेज टू पावर 1, आर 22 रेज टू पावर 1 क्लोजर एंड आर 2j, j की वैल्यू 1 है रेज टू पावर 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू आर 21 रेज टू पावर 0 की 5 प्लस आर 22 दैट इज इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1 क्लोजर एंड इसकी वैल्यू क्या है आर 21 की 5, सो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 5, राइट। सो आर 22 रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, अभी आर 22 रेज टू पावर 1 प्लस आर 22 रेज टू पावर 1, आर 22 रेज टू पावर 1 क्लोजर एंड आर 22 रेज टू पावर 1, सो इप्सिलॉन प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1, इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1 क्लोजर, इप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 क्लोजर। तो क्या वैल्यू आए के इज इक्वल्स टू 2 के लिए, आर 11 रेज टू पावर 2, आर 12 रेज टू पावर 2, आर 21 रेज टू पावर 2, आर 22 रेज टू पावर 2। आर 11 रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या आई, 1 क्लोजर, देन 1 क्लोजर 0, 0 प्लस 1 क्लोजर 5, 0 प्लस 1 क्लोजर, ठीक है। अभी हो गया ये, तो अभी इसमें क्या है, इन डी एफ ए वी कैन सी 1 इज़ द स्टार्ट स्टेट एंड 2 इज द फाइनल स्टेट, राइट। 1 इज द स्टार्ट स्टेट एंड 2 इज द फाइनल स्टेट, सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, एक्सप्रेशन कौन सा होगा 1 से स्टार्ट होने वाला और 2 से एंड होने वाला, मीन्स आर 12 रेज टू पावर 2 ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा दैट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट आर 12 रेज टू पावर 2 एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डी एफ ए, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन डी एफ ए 1 इज स्टार्ट स्टेट एंड 2 इज फाइनल स्टेट, सो दिस मीन्स दैट आर 12 रेज टू पावर 2 एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डी एफ ए, सो देयरफॉर आर 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 क्लोजर 0, 0 प्लस 1 क्लोजर, सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। तो स्टॉप कैसे करना है, क्लियर कि कौन सी इनिशियल स्टेट है और कौन सी फाइनल स्टेट है वो कंसीडर करके हमें स्टॉप करना है, क्लियर दिस, ओके। सो सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसे भी हो सकता है कि दो फाइनल स्टेट है, एट दैट टाइम क्या करना होगा हमें,
ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है द एडिशन ऑफ दैट बोथ टू हमें कंसीडर करना होगा. इसी को हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसमें डी एफ ए गिवन है हमारा 1, 2, सेम ही डी एफ ए है, सिर्फ मैंने इसको भी फाइनल स्टेट बना दी, राइट. सो 0.1, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमें कौन से एक्सप्रेशन कंसीडर करने होंगे इसके एडिशन के लिए. एक तो R11^2 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R11^2 प्लस R12, इनिशियल स्टेट यही है तो R12^2, ठीक है. तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, राइट. R11^2 की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज़ 1 क्लोजर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्लोजर और प्लस 1 क्लोजर 0, 0 प्लस 1 क्लोजर, ये फाइनल आंसर होगा उसका. क्लियर. सो ऐसे हमें अगर दोनों भी फाइनल स्टेट है तो ऐसे फाइनल एक्सप्रेशन हमें निकालना होगा. ओके.